आज के फनकार। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार एक ऐसी शख्सियत के नाम जिनकी नज्म सुनकर हम उदास होते हैं, जिनके गीतों में हम अपने जज्बात घोल देते हैं, जिनके अल्फाज में हमें पनाह मिलती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, शायर, गीतकार, कलमकार जिनकी शायरी में नर्मो नाजुक लफ्ज हैं, कहीं उदासी का दरिया है, कहीं विद्रोह की आग है, कहीं नाकामी है, कहीं मोह भंग है, तो कहीं रूमानियत का उफान है। समझ गए होंगे, आज के फनकार हैं शायर और गीतकार साहिल लुधियानवी, जिन्होंने कुछ बेहद सरोकार भरे गीत हिंदी सिनेमा को दिए। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है।
तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। सन 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार परिवार में जन्मे अब्दुल हई साहिर अपने माता पिता के बड़े लाडले थे, लेकिन बहुत जल्द ही ये लाडला बच्चा मुफलिसी के बवंडर में जा पहुंचा, जब उसकी माँ ने अपने पति का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1943 के आसपास साहिर लुधियानवी आर्थिक जद्दोजहद में तपते हुए छोटी मोटी नौकरियों का साया तलाश कर रहे थे। उनके मन में कहीं उम्मीद की एक किरण थी जो उन्हें दिलासा दे रही थी। सन 1945 में बड़ी कठिनाइयों के बाद आई साहिर लुधियानवी की पहली किताब तलखियां। जैसे जमाने को इसी बात का इंतजार था, इस किताब के जरिए साहिर लुधियानवी उर्दू शायरी के चमकते सितारे बन गए। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुफलिसी का दौर खत्म हुआ और कुछ उर्दू अखबारों में उन्होंने संपादक का काम किया। सन 1949 में साहिर साहब मुंबई आए और उन्होंने कुछ समय तक फिल्मों में अतिरिक्त संवाद लेखक का काम किया, लेकिन एक शायर के रूप में मशहूर हो जाने की वजह से जल्द ही उन्हें फिल्मों में मौका मिला। प्रसिद्ध निर्देशक महेश कौल ने उन्हें पहला मौका दिया। सन 1951 में प्रदर्शित फिल्म नौजवान में सचिन देव बर्मन ने साहिर लुधियानवी के गीतों को सुरों में ढाला। उनका पहला मशहूर गीत इसी फिल्म से था। की फिल्म बाजी के गीतों ने साहिर लुधियानवी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुनिए ये गीत जिसमें संगीत सचिन दा का है। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तक...
सचिन देव बर्मन के साथ साहिल लुधियानवी की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रही। फिल्म मुनीम जी। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किस दीवाने को। जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने। ये गीत सुनिए फिल्म घर नंबर 44। खोली हुई है सपनों की बाहें आ जा चल दे कहीं दूर। वही मेरी मंजिल वही तेरी राहें आ जा चल दे कहीं दूर। खोली हुई है सपनों की बाहें के कद्रदानों के लिए वे महज एक गीतकार नहीं बल्कि वे एक ऐसे संवेदनशील रचनाकार हैं जिसके लिए लिखना अपने सरोकारों की डोरियों में शब्दों को पिरोने की तपस्या जैसी थी। जिस वक्त साहिल लुधियानवी उभर रहे थे जमाना फैज फिराक गोरखपुरी और मजाज जैसे शायरों की इबादत कर रहा था, लेकिन साहिल साहब के भीतर की तलखी और विद्रोह अलग अंदाज में सामने आया और वे आम जनता के शायर हो गए। फिल्म साधना का ये गीत। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में। नंगी नचवाई शू के दरबार
के लिए रोना भी खता, मर्दों के लिए लाखों दे दे, औरत के लिए बस एक चिता, मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया, जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, जिस तन से उगे को पल बन कर, उस तन को जलीलो खार किया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा, औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा, किस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, चकनोही में आकर रुकती है, फाकों से जो राह निकलती है, मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया, औरत ने जन्म दिया मर्दों। साहिल लुधियानवी के गानों में एक तरफ प्रगतिशीलता थी तो दूसरी तरफ रोमांटिक गीतों की बारिश का अद्भुत संतुलन भी था। फिल्मों के लिए उन्होंने जो गीत लिखे उनमें परिस्थितियों और भावों की दृष्टि से इतना वजन था कि वे साहित्य की ऊंचाई तक पहुंच गए। ऐसा लगता है मानो वे हर एक चरित्र में डूबकर नगमा निगारी करते हैं। ये है कुछ गानों की झलक। फिल्म शगुन। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है, फिल्म है गुमराह। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो
न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं, दिल नवाजी की न तुम मेरी तरफ देखो, गलत अंदाज नजरों से न मेरे कश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। फिल्म बहू बेगम। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। जाने ऐसे कितने गीत हैं जिनमें साहिर लुधियानवी ने शब्दों के जादू से बांधा है, जिन्हें सुनकर हम बार बार सम्मोहित हो जाते हैं। साहिर लुधियानवी के गीतों में झूठे रिवाजों और झूठी परंपराओं के खिलाफ आवाज है, तभी तो उन्होंने फिल्म चित्रलेखा में लिखा ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है, रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते। साहिर लुधियानवी एक अनमोल गीतकार हैं, जो दुनिया के जुल्मों से तंग आ चुके एक आम आदमी के मन में उम्मीदें जगाते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। साहिर लुधियानवी के गीतों ने हिंदी फिल्म संगीत को समृद्ध किया है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में उनकी जीवन यात्रा और गीतों के खजाने को समाहित करना सागर में मोती बीनने जैसा है। उन्हें हम दे रहे हैं विनम्र श्रद्धांजलि। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं, इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में ना तोली जाएगी,
कभी तो आएगी वो सुबह कभी। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी पर। शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।